मध्य प्रदेश में रेत ठेकेदार लगातार जो है अपने परेशानी के बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास रख रहे हैं, जोने के चलते आज जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, जोने में 43 जिला के ठेकेदार और 41 मिनट तक यह कॉन्फ्रेंस चली, जोने में ठेकेदार सहित माइनिंग ऑफिसर शामिल रहे। विधि क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया है कि उनकर सरकार जो है रेत ठेकेदारन के पूर्व मदद करी, जहां जरूरत हुई उनका संरक्षण दी, और उनके द्वारा यह कहा गया कि रेत के वैध ठेकेदारन का मुख्यमंत्री परेशान न हो दे ही, कहे कि उस सरकार के खजाना में बढ़ोतरी करे वाले हैं, साथ में अवैध रेत के कारोबार में अब मुख्यमंत्री चले न दे। सीएम के द्वारा शनिवार का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है प्रदेश के 43 जिला के रेत ठेकेदारन से 41 मिनट तक सीधा संवाद किएगा। सीएम के द्वारा कहा गया कि ठेकेदारन के बीच कौनो ठेकेदार प्रशासन के मिली भगत से दूसर का परेशान तो नहीं कह रहा है, तो ओकर हल निकालब। सीएम के द्वारा कहा गया कि खनन विभाग के अफसर का निर्देश दिए गए हैं कि रेत खनन का वैध करे वाले मापदंड बनावे, जौने मां ठेकेदार का समस्या के समाधान हो चुके। शहडोल के रेत ठेकेदार वंशिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है कोरोना के कारण भय नुकसान का देखत किन रेत ठेका राशि मां 10% वार्षिक वृद्धि से छूट दे के मांग उठाई गई रही, जौने के बाकी सभी ठेकेदार के द्वारा यह मांग के समर्थन किएगा। रेत ठेकेदार दूसरे राज्यों से प्रदेश में आवे वाले रेत में 1,000 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर इंटर स्टेट टैक्स लगावे के मांग करी नहीं, तो निश्चित तौर पर यह कहो न कहो एक बेहद जो है बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अब रेत ठेकेदारन का संरक्षण प्रदान करने की बात कह रहे हैं। जो उन्होंने अपना प्रचंड को बताया दी कि भिंड मुरैना के और सीहोर की तारीफ सीएम के द्वारा की गए। सीएम के द्वारा कहा गया कि भिंड मुरैना और सीहोर में अवैध खनन रोके खातिर उठाए गए कदमन के सराहना करतकीन मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि यह मंडल का सभी जिला अपने अपने यहाँ जो है अपना में और नाका लगाए के अवैध खनन में काफी हद तक रोका जा चुका है। भिंड में जो है रेत वाहनन में RFID लगाए गए हैं। अपना परिचय बता दी कि रेत ठेकेदारन के द्वारा जो अपन समस्या बताई गई, और मैं अपना परिचय बता दी अमर अग्रवाल होशंगाबाद के द्वारा कहा गया कि हमार अनुबंध जो है 3 दिन बीत गया है, लेकिन स्थानीय नेता मशीनन से खनन नहीं करे दे लगाई, उनका 118 खदानन से 80 लाख क्यूबिक मीटर रेत खोदे है, बिना मशीनन के ये संभव नहीं है। दूसर नर्मदा के खदानन से मैनुअल खनन करे का है, लेकिन मजदूरन के रेट तय नहीं आए, हर दिन में 1 करोड़ रुपया लॉस हो रहा है। सीएम के द्वारा कहा गया कि नर्मदा का छोड़ के बाकी सब जगह मशीन चलाई, मजदूरन के रेट जिला प्रशासन तय करी, बेहद बड़ी खबर। आनंदेश्वर एग्रो फूड छतरपुर के द्वारा कहा गया हमारे जिला में लोकल खपत नहीं आए, ऐसे हम जो है यूपी में रेत बेच सकी थे या मध्य प्रदेश के दूसरे जिला में सप्लाई कर सकी थे, स्थानीय ठेकेदार द्वारा पन्ना क्रॉस ना हो नहीं होने दी जाए, और यूपी से जो है रेत प्रति घन मीटर 50 रुपया इंटर टैक्स लगा के रखा गया है, तैयार एक बेहद बड़ी खबर। उमरिया में यह बात जो है ठेकेदार के द्वारा कहा गया कि हम जो है दूसरे जिला में अपन रेत नहीं बेच पाई लगा है, कटनी ठेकेदार प्रशासन से मिलके हमारे ऊपर जो है ओवरलोडिंग के कार्यवाही की जाती, तो निश्चित तौर पर यह एक बेहद बड़ी खबर ही कि रेत ठेकेदार जो करोड़ों नरबन रुपया जो है लगाए कि यह ठेका लीधे है वो बिल्कुल हलाकान है, किंतु मुख्यमंत्री यह बात के भरोसा दिवाई नहीं कि तोहका कौनो में की समस्या न हुई, और प्रशासन या पूरे मामला में सुनिश्चित करे कि रेत ठेकेदारन का असुविधा न हो पावे। सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया ही कि नर्मदा के अलावा कौनो जो खदान है ओमा मशीन लगाई जा सकती थी, और साथ में जो मजदूर रेत जो खदानन में काम करी ही उनका रेट जो है जिला प्रशासन तय करी, तो निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ी खबर है। अब देखा बेहद दिलचस्प हुई कि जिला प्रशासन और सरकार आखिर रेत ठेकेदारन का कितनी राहत दे पावत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।